हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें डिटेल स्ट्रेटेजी शेयर किया जीके जनरल अवेयरनेस के लिए। आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज वन का पेपर आया था इस टाइम जीके का, काफ़ी डिफिकल्ट आया था। उसके मैंने एनालिसिस करके आगे आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसको किस टाइप से कवर करना है, तो वो सब जो चीज़ें हैं मेरी क्या अप्रोच रहती है। मैं 4 जून 2021 का जो पीआईबी के प्रेस रिलीजेस हैं उनको आपके सामने डिस्प्ले कर रखा है। मैंने एक अप्रोच आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इसके साथ में जो SAGE जो पोर्टल लॉन्च हुआ है कल सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का, उस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको इनपुट दूंगा पीआईबी को पढ़ते टाइम आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं आपको पहले शेयर करना चाहता हूँ कि पीआईबी को पढ़ना इज लाइक स्किल, जो कि आप एक दिन में नहीं आएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप ऐसे ना सोचे कि पीआईबी को जो पढ़ते टाइम अगर आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा टाइम दे। आप पीआईबी को पढ़ना एक स्किल है जो कि टाइम में डेवलप होता है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स लोग हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो पीआईबी की वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं आप, डेट वाइज ये सब आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं किसी का भी। मैं 4 जून का देख रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ये जैसे इसका पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर सब इसके जो रिलीजियस हुआ फ्रेंड्स, पहला वैक्सीनेशन ड्राइव इग्नोर मार सकते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, तो आपको पता है कल 4 जून थी, तो 5 जून को जो भी आएगा ना इसके ऊपर फिर से रिलीज आने वाला जब पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट खबर थी फ्रेंड्स, ये जो अपना क्या कहते हैं मॉरिशस के जो HPM है उनका कॉन्डोलेंस किया पीएम ने। तो आप याद रखिए, पूछा सकता है भाई सर अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन से देश के प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है, मॉरिशस की कैपिटल करेंसी आप सबको याद रखनी चाहिए। आप इसको खोलेंगे तो मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग, बाकी हम इग्नोर कर सकते हैं, आयुष से रिलेटेड है। अब न्यूज़ क्या है वो तो आप देख ही सकते हैं हल्का सा। वेबिनार ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज से रिलेटेड न्यूज़ है, ब्रिक्स कंट्रीज आप याद रखिए। अगला खबर है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रहती है, इसके सारे रिलीजियस इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इसने गाइडलाइन इशू किया स्कीम के लिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स। ये तो अगर आप देखेंगे ना तो जीके टुडे वाला भी कवर करेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से कवर कर लेंगे तो जीके टुडे में नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं करेंगे जीके टुडे में कवर कर सकते हैं। इसको आपको कवर करने की यहाँ से जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। भाई ये नॉर्मल काफ़ी छोटा ही है, देख सकते हैं क्या ओपन रहेगा इसके अंदर। BPIIT जो है इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये नॉर्मली ट्रेड और इंडस्ट्री के रिलेटेड इनिशिएटिव्स को जारी करता रहता है। आगे चलते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फेज टू के लिए कुछ आता नहीं है, फेज वन के लिए जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट आती है फ्रेंड्स। अब देखेंगे ना ये वाली जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, तो आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने पहले पेज पर भी कवर किया है, तो उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं, कहीं से भी कवर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कवर होना चाहिए। उसके बाद में अर्थ साइंसेस की मिनिस्ट्री, दोस्तों ये सिर्फ साइक्लोनिक के बारे में बातें कर रहा है, सब छोड़ो। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये खबर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप है ना उस डिस्कस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैंने इसमें देखा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक हल्का सा रीडिंग मार सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, जनरल चीज़ें इसमें। होम मिनिस्ट्री का फ्रेंड्स वही सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिस को, कोई उसके अलावा कुछ है नहीं। इसके अलावा ये जो है ना फिल्म डिवीजन जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए ओवासिस ऑफ हॉप जो ऑनलाइन फेस्टिवल किया है, ये पूछा जा सकता है कौन से मिनिस्ट्री ने किया है, ये किस लक्ष्य में किया गया है फेस्टिवल। तो आप इसको अगर मैंने शेयर किया आपने टेलीग्राम ग्रुप में भी, तो ऐसी न्यूज़ आपको पढ़नी रहती है। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे ना एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो कि नाबार्ड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्होंने एक लॉन्च किया अभी ये मॉडल पंचायत सिटीजन स्टार्टअप, इसको मैं कवर करूंगा थोड़ा इसमें। उसके बाद में आप इग्नोर कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे मिनिस्ट्री फेज टू के लिए नहीं फेज वन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ ना, मैंने ऑलरेडी खोला हुआ दूसरे टाइम में यहाँ पे, तो रेलवेज की ऐसे तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहती, लेकिन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे इन द वर्ल्ड विथ जीरो कार्बन एमिशन। यार अभी फिलहाल जो है आपको पता है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिन्यूएबल एनर्जी जीरो कार्बन एमिशन इन सब के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सोलर एनर्जी, तो उस उपलक्ष्य में न्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप एक चीज़ और आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, कई बार होता है ना कुछ सवाल ऐसे आता है अनप्रडिक्टेबल, यार ये सवाल कैसे आ गया करंट अफेयर्स में, तो वो मैं आपको थोड़ा इनपुट दूंगा यहाँ पे। देखिए
दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है हमारा इंडियन रेलवे, जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक का टारगेट रखा हुआ है उन्होंने, सर आपको पता भी होगा ये चीज़ है ना। उसके अलावा देखिए रेलवे को जो अपना क्या कहते हैं रेलवेज को है ना, ये रेटिंग भी दे रहे स्टेशन को प्लेटिनियम गोल्ड ग्रीन ये सब चीज़ें, और ग्रीन ग्रीन को सर्टिफाइड ये सर्टिफिकेशन रेलवेज को दिया जा रहा है, इस चीज़ें पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट ये देखो ये जो चीज़ है ना हाईलाइट किया मैंने, एक दोस्तों जो ISO है उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन है 14001 जो कि इससे रिलेटेड है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों ऐसे जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना पहले पूछे हैं मैंने, देखा है IBPS ने पूछा हुआ है, और आई थिंक इस बार भी RBI जनरल बी के फेजन क्या स्लोट वन या स्लोट टू में किसी ना किसी ने पूछा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइजेशन है, कौन सा ISO स्टैंडर्डाइज, ये ISO 14001 किससे रिलेटेड है, तो ऐसी जो चीज़ें इस तरीके से पिक करता है एग्जामिनर, आपको समझ में आया होगा शायद ये थोड़ा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, बाकी हम सबको पता है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा 2030 टारगेट रखा है और ये ISO स्टैंडर्डाइज अपन ने देख लिया। देखो आप यार कितना इंपॉर्टेंट है, लास्ट 718 जो रेलवे स्टेशन है ना उसको इस ISO 14001 सर्टिफिकेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, ये NSTG वगैरह वगैरह है इसमें देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको छाटना है कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको थोड़ा अच्छे से कवर करना है PIB से। अब आगे वापस बैक टू PIB चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड ट्रैक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता नहीं है। उसके अलावा ये जो है ना खबर मैन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यार जब भी मिनिस्ट्री का आप कवर करते हो ना ये ऐसी मिनिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। इसकी जो भी इनिशिएटिव आते हैं ना बहुत ही कम रिलीज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये तो ESI का डायरेक्ट सिलेबस भी है ना, सोशल जस्टिस और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और अंडरप्रिविलेज डायरेक्ट सिलेबस है। एल्डरली के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल है, इसको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस मिनिस्ट्री को इग्नोर मत करो, इस मिनिस्ट्री का जो भी रिलीज है उसको अच्छे से कवर किया करो भाई, ठीक है। ये अपने कवर कर लिया, ये अपन मॉडल पंचायत वाला देख लेते हैं पहले। ये जो इन्होंने लॉन्च किया है ना मॉडल चार्टर, ये की लाइन यहाँ पे है, तो 29 सेक्टर्स के अंदर सर्विसेज डिलीवरी करेगा। आगे हम लोग अगर बात करते हैं ना तो एम क्या है इसका चार्टर का, प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल इन अ टाइम बाउंड मैनर रिड्यूसिंग देयर ग्रीवेंस एंड इंप्रूविंग देयर लाइव्स। इसका जो एम है ना चार्टर का वो क्या है, लोग को समय पे सर्विसेज दे, उनकी जो समस्याएं उनका समाधान करे और उनकी जिंदगी बेहतर बनाए। इसके अलावा देख सकते हैं आप फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, ये तो मैंने आपके साथ नाबार्ड ग्रेड की स्ट्रेटेजी में शेयर भी किया है इस एजेंसी का नाम है ना। उसके अलावा जो है फिर इसका जो 15 अगस्त 2021 को इसके ऊपर रिजोल्यूशन ये लोग लेंगे तो फिर से सब न्यूज़ में आएगा। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है देख सकते हैं आप, पंचायत आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज एट एंसिडेंट अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली इन एरियाज ऑफ हेल्थ सैनिटेशन एजुकेशन न्यूट्रिशन ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ से अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि अंडर विच आर्टिकल पंचायत आर रेस्पॉन्सिबल डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज अंडर दिस डिजीज सेक्टर्स, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पिक करता रहता है एग्जामिनर। चलो अब मैं डिस्कस करूंगा सेग पोर्टल को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेग की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, इसके लिए लॉन्च किया गया है। तो हमारे देश के जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए, ये हमारी थावरचंद गहलोत जी हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हैं। दोस्तों इसका जो है मेन जो मकसद है, वन स्टॉप एक्सेस होगा एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स, कुल मिलाकर स्टार्टअप्स को एंगेज किया जाएगा ये प्रोडक्ट सर्विसेज एल्डरली पीपल को प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर ये कवर करेगा, यहाँ पे आप देखिए मेन जो चीज़ है ये हाईलाइटेड जो पोर्शन है ना वो आप कवर कीजिए मैन। दोस्तों ये जो जो भी सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होगी वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विसेज सभी जो एल्डरली उनको प्रोवाइड करेगी, सेक्टर हेल्थ से रिलेटेड हाउसिंग केयर सेंटर्स टेक्नोलॉजी के एक्सेस मतलब जो फाइनेंस है फूड है वेल्थ मैनेजमेंट है लीगल गाइडेंस सभी तरीके की गाइडेंस उनको प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 करोड़ तक का सपोर्टिंग किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्टअप्स को। पर हम लोग अगर बात आगे चलते हैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 करोड़ रुपये सिल्वर इकोनॉमी में के लिए अलॉट किया गया। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब होता है जो एल्डरली लोग होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो नीड होती है ना उनसे रिलेटेड जो इकोनॉमी होती है उसको सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं।
सब सेक्टर्स है, देख सकते हैं, ट्रेवल, फाइनेंशियल्स, लीगल, हाउसिंग, फूड अमंग अदर्स। उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके लिए 21-22 के लिए 25 करोड़ रुपए का एलोकेट किया गया है, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये प्रोजेक्ट है ना, एक कमेटी बनी थी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, एक कमेटी बनी थी, एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी, उसने रिकमेंड किया था स्टार्टअप्स, उसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर पोर्टल लॉन्च किया गया, सेज फॉर प्रोजेक्ट। इसको आप देख सकते हो, ये जो है हाईलाइटेड पोर्शन, वन टाइम जो इसमें इक्विटी होगा वो मैंने कवर कर लिया 1 करोड़ तक का। उसके अलावा ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्स प्रोजेक्ट है उसका एम है आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना, वेरीफाई करना, एग्रीगेट करना, तो डिलीवर प्रोडक्ट सॉल्यूशन सर्विसेज डायरेक्टली टू स्टेक होल्डर्स। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डाटा नीचे है, एल्डरली जो हमारे देश में है ना अभी फिलहाल, दोस्तों आप देख सकते हैं डाटा कितना इंक्रीज होंगे, 2026 2050 तक 19.5% होने का अंदाजा लगाया जा रहा है हमारे देश की जो एल्डरली एज 60 से अबव जो पॉपुलेशन है वो। इसके अलावा भी फ्रेंड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है, उसको कवर करता हूँ। ये पीपीटी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है। सबसे पहले तो ये पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, अब इसका जो भी रिलीज आता है कवर करना ही चाहिए। इन्होंने बोला था प्रमोटिंग स्टार्टअप्स इन एल्डर केयर एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन अपन को पता है फुल फॉर्म, इस सेफ हेल्दी और सिक्योर हैप्पी एंगेज एक्टिव रिलेवेंट केयर, ये सब फील करेंगे बेनिफिशरीज कौन है इसके, एल्डर्स। दोस्तों एक एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंड किया है स्टेटस फॉर एल्डरली केयर के लिए। एक टोटल हमारे देश में 112 मिलियन एल्डर्स अभी। अगर हम लोग बात करते हैं की हाई लेवल जो सेज जो प्रोजेक्ट है उसकी, दोस्तों आपको पता है गवर्नमेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन इन स्टार्टअप टू 1 करोड़ रुपये, सबको पता है। तो अभी स्टार्टअप किसके ऊपर फोकस करेगी, प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज फॉर एल्डरली। उसके अलावा कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी जिनका टर्नओवर 25 करोड़ रुपये से कम है, ये जो DPI की उसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग, यंग स्टार्टअप लेस देन 3 ईयर्स बाय सोशल इनक्यूबेटर्स। उसके अलावा आप देख सकते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब है सोसाइटीज एप्लीकेबल अगर नहीं है, अगर उनको इक्विटी नहीं मिलेगा। उसके अलावा 9x9 का स्टार्टअप सेक्टर ग्रेड है, 25 करोड़ रुपये जो पर्टिकुलर 2021-22 ईयर है उसमें अलॉट किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इंप्लीमेंट एजेंसी है, और जो NISD है, NISD का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, NISD है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये क्या है इसकी प्रोग्राम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है फ्रेंड्स, इसकी जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फंड डिप्लॉय करेगा। इसका जो फ्लो देखते हैं ना, टोटल 75 डेज का फ्लो रहेगा, स्टार्टिंग में ये रहेगा देख सकते हैं, डे 15 से 45 तक प्रपोजल्स बुलाए जाएंगे, उसके बाद में 30 से 60 के अंदर टेक्निकल राउंड होगा, इवेल्युएशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, रिकमेंडेशन, ये सब होगा, 75 डे में फाइनल शॉर्ट लिस्ट होगा, MOU साइन होंगे या फिर पार्टनरशिप साइन होगी एटसेट्रा। उसके बाद में कोविड रिलेटेड डाटा कुछ काम का नहीं है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। ये जो 9x9 का जो मैं जो फोकस एरियाज की बात कर रहा था वो लिस्ट है, इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कुछ बहुत डेप्थ में हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना SAG पोर्टल। इसके अलावा मैं लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ना, ऑटोनॉमस बॉडीज, उनको आप देख लो। बिकॉज क्या हुआ था ना, 2019 के अंदर एक नेशनल ट्रस्ट नाम का एक एजेंसी इस मिनिस्ट्री के अंदर, उसकी एक स्कीम पूछ ली गई थी निर्माया, इसके अंदर एक नेशनल ट्रस्ट नाम का इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट सोशल डिफेंस है वैसे ही उसकी स्कीम निर्माया पूछ ली थी, और 3 सवाल पूछे, 2-2 नंबर के, यानी कि 6 मार्क्स का पूछा था, और किसी को नहीं आ रहा था, वो लगभग ऐसा ऐसा माहौल था। तो अब थोड़ा मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूँ। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो 2018-19 का जो सर्वे हुआ था, उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था फ्रेंड्स, ये जो था कि बेसिकली एल्डरली से हमारे जो डेमोग्राफिक जो हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड था, इंडिया की डेमोग्राफी 2040 प्लानिंग पब्लिक गुड प्रोविजन फॉर द 21st सेंचुरी, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा था। एटलीस्ट आप ये जो चार्ट है ना, ये तो आप पढ़ लो यार, कभी आ सकता है, ऐसे इकोनॉमिक सर्वे पुराना हो गया है लेकिन आपको अंदाजा तो हो ही जाएगा इसके अंदर। इसको मैंने आप बताओ इसलिए खोला है मैंने, ये जो एल्डरली का इसमें एस्टिमेशन किया गया था इसलिए मैंने आपके लिए खोला है। 60 से अबव जो लोग हैं ना, 8.6% बताई सर्वे ने, इकोनॉमिक सर्वे ने 2011 में, और ये बोल रहा है कि जो 2041 आएगा ना, तब तो 16% होगा ये।
हालांकि इसमें से कभी सवाल देखा नहीं गया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था यार छोटा। आप एटलीस्ट ये समरी तो पढ़ ही लो, आपको अंदाजा लग गया, क्योंकि डेमोग्राफी जो हमारा प्रोफाइल हमारे डायरेक्टली ESI सिलेबस का पार्ट है, तो यहाँ सवाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा भी फ्रेंड्स आई थिंक अपने कवर कर लिया है, PIB कैसे पढ़ना है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट लिखिए, कोशिश करूंगा कि मैं भी PIB की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है शेयर करता हूँ आपके साथ। ग्रुप में मैं रेगुलरली शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे सभी चीज़ें मैं कवर कर नहीं सकता, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट आएगा, जो मेरे को लगेगा कि कवर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो मैं डेफिनेटली आपको वीडियोज़ के थ्रू कवर करूंगा करूंगा। और अभी भी आपका कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। PIB को पढ़ना है किसके लिए, थोड़े टाइम में आएगा, अभी स्टार्ट कीजिए, अभी स्टार्ट करेंगे जब आप 2-3 महीने में आप सीख पाएंगे चीज़ें, उसके बाद आप अच्छे से जब एग्जाम से 6 महीने पहले रहेंगे ना, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये अभी स्टार्ट करने का अच्छा टाइम है। आप उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो। फ्रेंड्स आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, अभी आज 2 वीडियो और लाऊंगा मैं, 2 स्कीम्स के ऊपर, दो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, करंट अफेयर्स की स्कीम्स की वीडियो आने वाले हैं। आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, आप अपने जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। वीडियो एंड करता हूँ फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो फ्रेंड्स। कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।